अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से बच्चे देखें कितने शानदार, एक तरह के बच्चे, दोनों के दोनों एक जिसामत के पले हुए हैं। और ये जिस बंदे को मैंने कबूतर दिए थे, इजाज़ नाम है उसका, और वो एक यूनाइटेड नेशन में काम करता था। तो वहाँ से उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो कह रहा था टाइम पास के लिए कबूतर शबूतर दो। शौक़ उसका कबूतरबाजी है नहीं है, वेट लिफ्टिंग का शौकीन है। जैसा ख़ुद वेट लिफ्टर था, वैसे उसने माशाल्लाह बच्चों की भी अप्लाई की है, क्योंकि खाने पीने के सही शौकीन होते हैं, उसे तो बच्चों को सही खिलाया। बच्चे बड़े शानदार पले हुए हैं, देखें बच्चे आप, माशाल्लाह कोई बच्चा आपको कमज़ोर नज़र नहीं आएगा। सबसे अच्छी इसकी जो बात लगी है, इसको जो मैंने गाइडलाइन दी, इसने उसको फॉलो किया है। मोटा दाना इस्तेमाल कराया है, गर्म दाना इस्तेमाल कराया है, और जिसकी वजह से बच्चे सारे के सारे बड़े ही शानदार पले हैं। ये ऐसी गेम इसके पास बनी है, तकरीबन इसे मैंने 9 पेयर दिए थे, और इस वक्त इसके पास 18 के करीब बच्चे हैं। और ये बच्चे जो हैं पूरा सीज़न अगर से संभाल लिए तो ये अच्छा खासा शौक वाले बच्चे हैं। मैंने ख़ुद पेयर ये लगाए थे, अब इनके बच्चे दिखाते हैं। ये फर्स्ट बच्चे निकले हैं, आप देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फर्स्ट पेयर में इतने अच्छे बच्चे निकल किस तरह निकलते हैं। ये देखें इजाज़ भाई का, ऊपर ही उन्होंने वेट लिफ्टिंग का सामान रखा हुआ है, और वेट लिफ्टिंग ऊपर ही करते रहते हैं, और अपना शौक भी मेंटेन रखा हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से, देखें किस तरह सीना ना काला हुआ है। सीना अच्छा होता है जिसका भी अच्छा लगता है, तो माशाल्लाह से बड़ा इन्होंने अपना शौक भी मेंटेन किया हुआ है। साथ खाते पे देसी अंडे हैं, मुर्गियाँ रखी हुई हैं बेकायदा। तो अब आपको फर्दर शौक करवाता हूँ कैसे बच्चे आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जज़ाकअल्लाह।